नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज 14 दिसंबर मंगलवार का दिन है। आज ही मोक्षदा एकादशी, वैसे इसकी शुरुआत सोमवार रात 9:30 बजे से हो गई है, जो मंगलवार के दिन दोपहर 11:30 बजे तक रहने वाली है। उदय तिथि मंगलवार की है, तो जो उपवास है, व्रत है, दान पुण्य वगैरह मंगलवार के दिन ही किए जाएंगे। बुधवार के दिन इसका पारणा होगा। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी मेरे हिसाब से तमाम एकादशियों में श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य, जो परम लक्ष्य है, वो है मोक्ष। जीव किसी न किसी चीज को पकड़कर, किसी न किसी चीज से अट्रैक्ट होकर इस दुनिया में आ गया, संसार में आ गया, और उसके बाद सांसारिक सुख भोगने की लालसा में तमाम दुखों का शिकार हो जाता है। वो व्यक्ति जो संसार के इस चक्र को नहीं पहचान पाता, आप देखना, मैं जो कह रही हूं आपको शायद कुछ अजीब लगे, लेकिन कई लोग मैंने देखे छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा स्वरूप दे देते हैं, जैसे वो चीज ही सब कुछ है, ये व्यक्ति खुद तो कुछ है ही नहीं। कई लोगों को देखना किसी चीज के पीछे सुइसाइड कर लेना, अमुक चीजों के पीछे बिल्कुल खुद को ही बर्बाद कर देना, मतलब आप सोचो कि उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति के पीछे बर्बाद हुआ जा रहा है, व्यक्ति के पीछे, वस्तु के पीछे या किसी भी चीज के, वो चीज उसके लिए कितना मायने रखती थी, और उसकी खुद की जिंदगी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जो शरीर उसको कुदरत ने दिया, वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। दूसरे तमाम रिलेशन जिनके प्रति उसका जो धर्म था, कोई मायने नहीं रखता था। तो व्यक्ति के मन पर कब, कहां, कौन सी चीज हावी हो जाए, उसको खुद ही पता नहीं चलता। कुर्बान हो जाता है, शहीद हो जाता है उस चीज के ऊपर। जबकि जो आत्मा है, वो हर चीज से परे है, लेकिन उस परम तत्व को जो पहचान लेता है, वही मोक्ष के रास्ते आगे बढ़ पाता है। शरीर होते हुए भी व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनकर इसी पृथ्वी पर, आप देखना कितने ही लोग दोस्तों जो सिद्ध आत्माएं हैं घूमती है, हम उन्हें पहचान नहीं पाते, इंसान के रूप में, दूसरे जीवों के रूप में टहल रही है, पृथ्वी पर घूम रही है, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। उनके भी अब पहचान होती है। आप देखना, यदि कोई सिद्ध पुरुष, कोई ऐसी आत्माएं आपको कभी मिलती हैं, जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, कहीं आपको ऐसी कोई आत्मा दिखती है, आप एक टक देखना, उसकी कभी पलक नहीं झपकेगी। कई जगह पर आपको ये अनुभव होते होंगे, संध्या समय है, अचानक आप दियाबत्ती कर रहे हैं, कोई पतिव्रता स्त्री, शादीशुदा, नई शादीशुदा या ऐसे भी शादीशुदा कोई स्त्री हंसते हुए आपके घर में अचानक आ जाती है, वो स्त्री नहीं है, उसके अंदर एक पॉजिटिव चीज, एक देवी शक्ति आपके घर में आई है। बिल्कुल इसी तरह कोई छोटी बच्ची आपके घर में आती है हंसती हुई, आपसे कुछ मांगती है, जरूर आप उसे दें, साक्षात देवी का रूप होती है ऐसी चीजें। गाय माता आपके घर में आती है, और स्पेशली दिया बत्ती के समय, या आपके घर में कोई अच्छा फंक्शन हो रहा है और गाय माता आपके दरवाजे आकर खड़ी हो जाए, जरूर आप उन्हें गुड़ रोटी घी खिला दें, आपके तमाम काम बहुत आसानी से सिद्ध होंगे। तो इस पृथ्वी पर कब जो अच्छी आत्माएं हैं, वो किस रूप में आपसे मिलती हैं, हमें पता नहीं चलता, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, है ना? भगवान कब, कहां, किस रूप में, किसे मिलते हैं, पता नहीं चलता। तो आज के दिन दोस्तों भगवान नारायण की सेवा पूजा जरूर करें, जितनी ज्यादा हो सके। पीले रंग के कपड़े पर भगवान नारायण, माता लक्ष्मी के साथ आप उनकी स्थापना करें,
जितनी ज्यादा सेवा पूजा कर सकते हैं जरूर करें। उनके नाम का व्रत रखें, उपवास रखें, पीले रंग के कपड़े पहने। एक छोटा सा उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रही हूँ। जो लोग पैसों को लेकर के बहुत परेशान हैं, इस उपाय को आज के दिन अवश्य कर लें। दोस्तों, जन्मों जन्म की गरीबी दूर हो जाएगी। आज के दिन नहा धोकर सुबह के समय या संध्या समय पीले या लाल रंग के कपड़े पर लक्ष्मी नारायण की स्थापना करें। गुलाब का फूल और गेंदा का फूल आप उन्हें अर्पित करें। माता लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक लगाएं। भगवान नारायण को हल्दी या केसर का तिलक आप अर्पित करें। दूध से बनी हुई मिठाई आप उन्हें अर्पित करें। पंचामृत आप उन्हें अर्पित करें। चावल चढ़ाएं, घी का दीपक लगाएं, धूप बत्ती लगाएं। जैसे पूजा होती है भगवान की, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से जो कुछ भी आपके पास है, फल है तो 5 प्रकार के फल अर्पित करें, या फिर जितने भी फल हो आप उन्हें फल अर्पित करें। भगवान को अपने घर में माता लक्ष्मी के साथ आवाहन करके बुलाएं, उन्हें स्थापित करें। तुलसी की माला या स्फटिक की माला से जो मंत्र मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस मंत्र की 11 माला करें और उसके बाद में आप एक छोटा सा हवन जैसा कर दें। मतलब आम की लकड़ी हो या जो हवन की लकड़ियां तैयार मिलती हैं वो आप लकड़ियां ले आएं, या आप गोबर का कंडा हो उसे आप जला लें। थोड़ी सी हवन की आप वो रख लें, जो सामग्री आती है उसमें घी मिला लें और उसकी आहुति देते जाएं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णुवे नमः। सबसे पहले पृथ्वी माता की आहुति दे उनके नाम की, फिर गणपति जी की, उसके बाद में आपके आपके गुरु जी के नाम से, उसके बाद में अपनी कुलदेवी को याद करके उनके नाम की आप आहुति दें, उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के नाम की आहुति दें, और 108 आहुति आप इसी मंत्र से दे दें जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसी मंत्र की आपको 11 माला करनी है और उसके बाद में 108 आपको आहुति देनी है। मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र से मंत्र की आपको 11 माला करनी है और एक माला की आप आहुति दे दें, 108 आहुति आप दे दें। यदि हवन सामग्री ना हो तो आप घी से आहुति दे दें। भगवान की आरती उतारें और भगवान के सामने प्रार्थना करें कि हमारे घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो। यदि आपके किसी ने जमीन दबा रखी है, प्रॉपर्टी पर कोई और कब्जा करके बैठ गया है, कोई व्यक्ति आपसे कर्जा ले गया है, पैसे वापस नहीं दे रहा है, तो भी आप इस उपाय को करें। आपकी प्रॉपर्टी पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा करके बैठा है तो भी आप इस उपाय को करें। आपके ऊपर किसी ने कोर्ट केस करके रखा है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, आप इस उपाय को करें। तमाम प्रकार की तकलीफों से आपको निजात मिल जाएगी। पैसे दोस्तों आपके घर में आना शुरू हो जाएंगे। जब भी आप कहीं पर भी किसी से भी पैसे लेने के लिए जाएं, इस मंत्र को 11 बार बोल दें। लक्ष्मी आपके पास बहाने मार मार कर आना शुरू हो जाएगी। सुबह से शाम तक में कभी भी आप इस उपाय को कर लें। उपाय करने में आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन आज के दिन दोस्तों यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं, हमेशा के लिए जो पैसों को लेकर के टेंशन है वो टेंशन दूर हो जाएगा। प्रॉपर्टी को लेकर के यदि कोई टेंशन है वो टेंशन भी दूर हो जाएगा। आज के दिन दोस्तों जरूर करें इस उपाय को। जितना ज्यादा हो सके दान पुण्य करें, व्रत उपवास करें। व्रत उपवास ना भी कर पाए तो भगवान नारायण की सेवा पूजा जरूर करें। आज के दिन पीपल की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। सूर्य देव को जल अर्पित करें, तुलसी माता के आगे घी का दीपक लगाएं। छोटे छोटे काम बिना भूले जरूर कर लें। ये अंतिम एकादशी इस साल की, तो बिना भूले दोस्तों। इसके सिवाय भी मैंने काफी वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने और भी तमाम प्रकार के उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आप कर सकते हैं करें जरूर। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।